जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएमसी नागपुर ग्रुप डी भर्ती 2023-2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका अप्लाई लिंक है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप ये वेबसाइट मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं कर पाएंगे। आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड वो होता है जिसमें कि आप गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं, आपको ऐसे करके अपने मोबाइल को ओपन चलाना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो आप यहां पर आइए और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन अब आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको आपका मिडिल नेम एंटर करना है, मिडिल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। और इसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। गाइस यहां पर फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस डालेंगे, एड्रेस यानी कि @ से पहले आपकी ईमेल में जो कुछ भी आता है वो आप यहां पर लिखेंगे। और फिर आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहां पर gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। एंड इसके बाद में आप अपनी पूरी ईमेल आईडी यहां पर डाल देंगे, कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको उसकी जानकारी लॉगिन एंड पासवर्ड की मैसेज और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी गई है। यहां पर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, फोटो की जो गाइडलाइन है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह का फोटो होना चाहिए। तो आपको यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने फोटो को बनाना है, अपने इमेज को बनाना है। फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। थंब इंप्रेशन भी आपको आगे चल करके अपलोड करना होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होगा, उसमें आपको किस तरह से इमेज को बनाना है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये गाइज आप यहां पर इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये देखने के बाद में आप यहां पर आइए और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर ओपन करना है, आपका फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में गाइज आप यहां पर जो आपका साइन है वो अपलोड करेंगे, पहले आप यहां पर इसके ऊपर टिक कर दे कि मेरा फोटो बिल्कुल सही है और वैलिड है। फिर आप यहां पर जहां पर आपकी साइन है वो सेलेक्ट कर ले एंड देन यहां से ओपन करें। ओपन करने के बाद में आपकी साइन भी अपलोड हो जाएगी और फिर आप यहां पर टिक कर देंगे इसको कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन आती है। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है एससी एसटी जो भी है बेसिकली इनमें से वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो आप अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो फिर आपसे पूछेगी अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, ये तो आपने जो कैटेगरी भरी अपनी कैटेगरी भरी। और अभी यहां पर पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप अनरिजर्व्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप एससी में भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी ही कैटेगरी में, या फिर अगर आप ओपन में अप्लाई करना चाहे अनरिजर्व्ड में तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं विकलांग है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होंगे जिनका आंसर आपको यस नो में करना है। फिर एक और सवाल आता है कि आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ सेंसस वर्क फॉर द ईयर 1991, अगर आप थे एम्प्लॉई या फिर है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इलेक्शन ड्यूटी अपॉइंटेड आफ्टर 1994, अगर आप है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यहां पर फिर नीचे आते एक और सवाल आपके सामने कि वेदर द कैंडिडेट हैज ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि क्या कैंडिडेट के पास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट है वैलिड, अगर हां तो यस करेंगे, यस करने के बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। फिर यहां पर है कि वेदर द कैंडिडेट पोसेसिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यानी कि क्या कैंडिडेट के पास में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी है, अगर हां तो यस, एंड उसके बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नंबर भी आप यहां पर दे देंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हैं। अगर आप नो कर सकते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो बेसिकली आप यहां पर यस करें और उसका नंबर एंटर कर दें। फिर आते हैं वेदर द कैंडिडेट पोसेसिंग ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आप उसका आंसर यस नो में करेंगे।
लिए। फिर आता है कि आर यू विश टू अवेलिंग द रिजर्वेशन और एज एन एक्स सर्विसमैन, जो एज एक्स सर्विसमैन को फ़ायदे मिलते हैं रिजर्वेशन के, क्या आप उसको अवेल करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर अगला सवाल आपके सामने कि आर यू द फैमिली मेंबर ऑफ ए सोल्जर हु डाइड और वाज मेड इन कॉम्बैट मिलिट्री सर्विस, अगर हाँ, अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि डू यू विश टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स रिजर्वेशन, यानी कि जो स्पोर्ट्स रिजर्वेशन है, क्या आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद में Do you wish to avail election under orphan category, यानी कि जो यतीम कैटेगरी होती है तो उसमें जो छूट मिलती है, क्या आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर सवाल आता है कि आर यू बैचलर होल्डर हु हैज़ वर्कड एज पार्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर मिनिमम 3 ईयर, यानी कि क्या आपके पास बैचलर डिग्री है और आपने कम से कम गवर्नमेंट सर्विस के अंदर 3 साल की सेवा की है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आता है कि आर यू इज टू अवेलिंग द रिजर्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट अफेक्टेड, यानी कि आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है और आप उसके जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें कि जिसके फादर ने वो फार्मर थे और सुसाइड किया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है कि क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है आर यू ए मराठी स्पीकिंग कैंडिडेट फ्रॉम 865 विलेज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया एज क्लेम्ड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है डू यू होल्ड आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, एंड फिर जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में वेदर यू बिलोंग टू दी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, एंड देन फिर आपको आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी भी बतानी है। देन गाइज यहाँ पर नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट में इंडियन रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जाम में आप यहाँ पर इनमें से किस लोकेशन पर एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, औरंगाबाद या फिर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, तो आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। एंड देन यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको यहां पर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर में यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहां पर मैरिटल स्टेटस बताना कि मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है वो आप यहां पर टिक कर देंगे। एंड फादर नेम आपको एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन 1, 2, और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लिख देंगे। स्टेट यहां से आपकी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में आपको जो आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे से सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है, तो आपको बोला है कि आपकी क्वालिफिकेशन 30 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको SSC यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो नेम ऑफ दी बोर्ड में आपको बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है, जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको यहां पर जो आपके 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो यहां पर लिख देने हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप यहां पर लिख दीजिएगा एक एक करके। फिर आपको बताना है कि कौन से कब आपने पास कर ली थी, पहले डेट, फिर आपका जो मंथ है वो, और जो भी ईयर है वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे परसेंटेज, तो आपको आपकी परसेंटेज बतानी है, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर फिल करना है। क्लास आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर पास। फर्स्ट क्लास उनकी होती है जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं, और सेकंड क्लास उनकी होती है जिनके 45% से लेकर के 59% के बीच में होते हैं, एंड जिनकी 33% से लेकर के 45% के बीच में होते हैं वो पास क्लास में आते हैं। फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर सेम तरीके से आपके बोर्ड का नाम लिखेंगे। एंड फिर यहां पर आपको आपका सब्जेक्ट बताना कि कौन सा सब्जेक्ट से आपने 12वीं की है, कब आपने पास कर ली थी वो बताएंगे, परसेंटेज भर देंगे और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए क्योंकि कंपलसरी इसमें 10वीं ही मांगी है। फिर आता है डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, तो आप यहां पर यस कर दीजिए अगर आपको है। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर जैसे कि लैंग्वेज नॉन मराठी, यहां पर मराठी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर जो आपको
सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखें और उसका जो स्टेटस है वो भी इस तरह से आप बता दें। फिर जो आपको तीसरी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखें और जो उसका स्टेटस है वो भी यहाँ पर आप इस तरह से टिक करके बता दें एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लें एंड देन यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है, एक बार फिर से ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, इसके इंस्ट्रक्शंस आप एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह का आपका इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, फाइल साइज एंड आपका जो भी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है, आपको बोला है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर के अंदर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं लिखना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जहाँ पर आपकी फाइल है थंब इंप्रेशन की वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी, आप इसको ओके कर दीजिए। फिर गाइज आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन अपलोड करना है तो इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये लाइन आपको एक कोरे कागज पर नोट करनी है अपने हैंड से एंड यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपको आपका नाम लिख देना और बाकी की लाइन ऐसे ही लिख देनी है। इसके बाद में इस इमेज को आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की वो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, इस तरह से आपकी फाइल आएगी, आप इसको ओके कर दीजिए। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आएगा, आप ये सिक्योरिटी कोड डालिए एंड देन सबमिट कीजिए और इसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम से चाहे जमा कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे अदर बैंक का डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR, UPI, तो जिस माध्यम से फीस को जमा करना चाहे कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से गाइस आप लोग GMC नागपुर ग्रुप डी भर्ती 2023-2024 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।